हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। अभी हम कलकत्ता में हैं, अभी हम ज्योतिन्द्र मोहन बक्सी का महल देखने जा रहे हैं। देखिए, ज्योतिन्द्र मोहन महल के पास आ गए हैं हम। अभी जो साइड में दिखाई दे रहा है वो है महल, तो चलिए देखते हैं महल। बहुत पुराना महल है ये। जो एक लेखक है ना, वो काजला दीदी कविता लिखा था उसने, वो उसका महल में हम जा रहे हैं अभी। तो देखिए, बाहर से बहुत अच्छा है, वो है दरवाज़ा गेट। अभी हम अंदर में आ गए हैं, तो ये देखिए उसका महल। तो ये देखिए, ये अंदर जाने वाला गेट है, तो अभी हम अंदर जाने वाले हैं। तो चलिए, लेट्स गो। तो ये जो बॉयज बॉयज दिखाई दे रहा है, वो यहाँ पे रहते हैं। यहाँ पे कुछ कुछिंग की तरह खुली हुई है, जो बॉयज आके यहाँ पे रह सकते हैं महल में अभी। तो हम लोग अभी अंदर में जाएंगे। ये अंदर में जो घर है वो सब है ये महल का। तो देखिए अंदर का नज़ारा जो है, ये है ज्योतिन्द्र मोहन का महल। और ये जो है, ये टेंपल है, एक मंदिर है। यहाँ पे हर साल दुर्गा पूजा मनाई जाता है धूमधाम से, बहुत अच्छी तरह से। तो देखिए, बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके, महल देख के अच्छा लगा। बहुत पुराना महल है ये, जो लेखक ने ये लिखा था। बास बागानेर মাতার উপর চাঁদ উঠেছে ওই মা গো আমার সুলোক বলা কাজলা দিদি কো, ये कविता लिखा था उसने। तो ये है उनका महल, जो लेखक के उनका महल। ये मंदिर है, मंदिर में हम जाके देख रहे हैं अंदर का नज़ारा। तो हम लोग सब कुछ देख चुके हैं। ये देखिए मेरे साथ जो अंदर का नज़ारा, वाह, इतना खूबसूरत है, अच्छा लगा यहाँ पे आके। पुराना हवेली देखे, लगता है जैसा भूतों की हवेली, ऐसा भी लगता है बाहर से देखने में, डर लगता है लेकिन अंदर में अच्छा है। और कोई यहाँ पे आके रह सकते हैं, अगर बॉयस हो तो यहाँ पे आके रह सकते हैं। हम लोग ऊपर नहीं देख पाए, तो सब कुछ देख के अभी हम बाहर में जा रहे हैं। अभी हम चले जाएंगे, बाय बाय। ये देखिए बाहर से अच्छा है, जस्ट लाइक भूतों, हमें तो भूतों के बंगले की तरह लगा। तो यहाँ पे बहुत सारे फिल्म स्टार ऐसा कुछ आते हैं यहाँ पे शूटिंग करने के लिए आते हैं यहाँ पे। अच्छा लगा यहाँ पे आके। अब तो वीडियो यहाँ पे ख़त्म हुआ। बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।